वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस, डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 3 एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये फोर्थ पॉइंट है हमारा वेलोसिटी में, ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का फोर्थ पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फोर्थ पॉइंट, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं इंस्टेंटेनियस को। तो ए टू बी कोई पाथ है, इसमें पर्टिकुलर हमने एक स्मॉल सी डिस्टेंस ली, ठीक है। उस डिस्टेंस में जो टाइम इंटरवल होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा, डेल्टा टी ले लिया उसको, लेट अस कंसीडर, ठीक है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ए बी पाथ जो है उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया सी ओ डी, बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल जो डिस्टेंस है उसमें टाइम इंटरवल भी बहुत ही स्मॉल है और उसको हमने ले लिया डेल्टी, ठीक है। ये डेल्टी जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है जीरो के, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कुछ टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो कंसीडर करते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ये जब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो मोस्टली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर टाइम में, जो पर्टिकुलर टाइम क्या, डेल्टा टी टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आएगी। इफ एट ए डेल्टी टाइम, देखो डेल्टी टाइम इज स्मॉल टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इज डेल एक्स, फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टी टेंस टू जीरो, ठीक है। तो डेल्टी जो है स्मॉल, जो आपके पास टाइम इंटरवल है वो इतना स्मॉल है कि वो किधर जा रहा है, जीरो। तो डेल्टी इसको लिखते हैं, जैसे डेल्टी आपके पास 0.001 सेकेंड है, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या है, ये अप्रोक्सीमेट जीरो है, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टी अप्रोक्सीमेट इक्वल जीरो। इट मीन्स डेल्टी इज टेंस टू, मैथमेटिक्स में इस तरह लिख देते हैं इसको जीरो, ठीक है, डेल्टी टेंस टू जीरो इसलिए बोला अपन ने। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वी इज इक्वल टू आ जाएगी लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल्टी, डेल एक्स अपॉन डेल्टी, ठीक है। अब यहाँ लिमिट लगाई है, तो लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, ये है कि डेल एक्स किस में चेंज हो रहा है, डी एक्स में चेंज आएगा, और डेल्टी चेंज हो जाता है डी टी में। ये लिमिट की मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो वी आपके पास आ जाएगा वी वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स वैक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये तो किस में आता है, ये आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड में, और वेक्टर लग जाता है तो ये आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। नेक्स्ट है, इफ द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट देन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस आपके पास वेलोसिटी और एवरेज जो वेलोसिटी है वो कब इक्वल होंगे, जब वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। वेलोसिटी जब कॉन्स्टेंट रहेगी तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम कंडीशन में रहेंगे, यानी कि इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोई डाउट है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे इसको क्लियर करते हैं इंस्टेंटेनियस का। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर कभी देखेंगे पास पे, एक जनरल से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं कोई इक्वेशन है आपके पास 2t, ठीक है, प्लस 3 ले लिया, तो टी इज इक्वल टू हम सम टाइम ले लेते हैं 0.01 सेकेंड, ठीक है। जिसकी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वी नो दैट क्या आ जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू dx बाई dt, सो dx वेक्टर अपॉन dt, क्लियर। सो आपके पास आ जाएगा dx वेक्टर को अपन ले सकते हैं dy dt, और x की जगह हम लिख देंगे 2t प्लस 3, इसको t स्क्वायर ले लेते हैं, सही रहेगा ना, t स्क्वायर ले लेते हैं इसको। सो v इज इक्वल टू आपके पास आएगा 4t स्क्वायर, इन डिफ्रेंशिएशन आपको सिखाया होगा ना विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, तो 4t स्क्वायर आ जाएगा 2t स्क्वायर का, 4t प्लस 0, 3 का आ जाएगा 0, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4t,
टी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, तो क्या जाएगा आपके पास वी इज इक्वल टू 4 × 0.1, सो वी इज इक्वल टू 0.4 ठीक है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है किसके लिए 0.1 सेकेंड, बहुत ही स्मॉल टाइम है ये, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो भी बहुत ही स्मॉल आएगी, 0.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो ये टाइम इंटरवल की वजह से आ रहा है, टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल से बस इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे हमने पढ़ा है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू सो मच।